नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में लिया हिस्सा। मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी। देश में खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानी का संक्षिप्त विवरण तथा कम व छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर एक पुस्तिका भी जारी की। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। आज हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गई, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम CRP हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं, ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों। हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं विकास के खुले गगन में। मैं स्व सहायता समूह में जुड़कर 100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त की जो अलग अलग विषयों पर है, उसी में एक कृषि सखी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त की। सर, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 5,500 महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रशिक्षण दी हूँ। स्व सहायता समूह से मैंने 75,000 की लोन ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैं 1,00,000 की लोन ली। 1,75,000 की
कृषि किसान सेवा केंद्र, जिसमें कि सर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, निमास्त, ब्रह्मास्त, अग्नियास्त, ये सब जैविक हैं सर, जो हमारे घर में गाय के खाए हुए शेष बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं। मैं सर पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे, साल में 40-50 हज़ार कमाना हमारे लिए मुश्किल होता था, उससे हमारे घर की खर्च नहीं चल पाती थी। आज 2 से 2.5 लाख 3 लाख लगभग मैं एक साल में कमा लेती हूँ और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। मैं बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर पद पर हूँ। मेरे साथ 6 बहनें हैं, उसमें से 25 हज़ार बहनें जुड़ी हैं, जिसमें से कंपनी हमारी 601 गांव में 5 जनपदों में कार्य कर रही है और मेरे 70 हज़ार लीटर प्रतिदिन दूध हमारा एकत्रित होकर जाता है, जिसमें से 110 करोड़ का कारोबार और 100 करोड़ का भुगतान महिलाओं को हुआ और 3 करोड़ का लाभ हुआ। उमाकांती जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो आप बता रही हैं इतना बड़ा प्रभावी बात बता रही हैं और आपने एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है और 25 हज़ार बहनों को आप जोड़ रही है। जी सर, मैं ये जरा जानना चाहूंगा इस काम में आपको सरकार की कितनी मदद मिली है। जी सर, हमारी सरकार ने हमारे साथ बहुत कुछ किया और नारी शक्ति के अनुसार ही ये काम हमारी आजीविका मिशन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से भी रहा। हम लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ अपना ये बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का काम किया और इसमें से 2018 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और आजीविका मिशन के अधिकारीगण बांदा आए, वहाँ पे हम लोगों को समझाया, हम लोग उसी में बोले कंपनी में आप जुड़िए, तो हम लोग खुशी के साथ अपनी नारी शक्ति के साथ इसमें जुड़े और हिम्मत बढ़ाई, बहनों की भी हिम्मत बढ़ाई। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नारी शक्ति क्लस्टर के अध्यक्ष हूँ। इस मिशन के अंतर्गत हमारे एक बेकरी ग्रोथ सेंटर का गठन हुआ, जिसका मैं संचालन करती हूँ। हमारे इस ग्रोथ सेंटर बेकरी में हमारी 40 महिला को RCTJ द्वारा पहले ट्रेनिंग दिया गया था, तो उसमें हमें जैसे बेकरी प्रोडक्ट बंद और रस और केक वगैरह सिखाया गया था, तो हमारे जो हमें भी बिस्किट भी बनाना सिखाया, जो हमें मंडुवे के आटा और मक्के जो और सोयाबीन के आटा से हमने बनाया, तो ये जैसे लोगों को बहुत पसंद आया, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र से हमको ऑर्डर मिला है कि हमें छोटे छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल बच्चे को हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो हमें इसमें हमको पहले 88 हज़ार बिस्किट का ऑर्डर मिला था, जो हमें अच्छे से पूरा करा, तभी हम जुलाई में हमको 55 हज़ार बिस्किट पैकेट का ऑर्डर मिला है, जो हमारा टोटल टर्नओवर अभी तक 89,32,000 है और हमारा जो सारे खर्चा काट के हमको 10,30,000 का प्रॉफिट मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ग्रामीण विकास के भारत के विकास की अपनी संकल्पना और उसमें SHG बहनों की भागीदारी के संबंध में अपने आशीर्वचन दें। नमस्कार। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये आयोजन बहुत अहम है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को, हमारी आत्मनिर्भर नारी शक्ति एक नई ऊर्जा देने वाली है। आप सबसे बात कर करके आज मुझे भी प्रेरणा मिली है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद विधायक साथी,
जिला परिषद के चेयरमैन और सदस्यगण देश की करीब करीब 3 लाख लोकेशन से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों बहनें और बेटियां, अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, अभी जब मैं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों से बातचीत कर रहा था तो उनका आत्मविश्वास मैं अनुभव करता था। आपने भी देखा होगा उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक कैसी है, कुछ करने का जज्बा कैसा है, ये वाकई हम सबके लिए प्रेरक है। इससे हमें देश भर में चल रहे नारी शक्ति के सशक्त आंदोलन के दर्शन होते हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली हमारी करोड़ों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। किसी भी देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहना अपने आप में एक गौरव की बात है। बात भारत की हो तो कृषि प्रधान देश होने के नाते ये खाद्यान्न उत्पादन में हमेशा से ही आगे रहा है। भारत के कर्मठ किसान और सरकार के महत्वपूर्ण योगदान से देश ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सरकार ने मुख्य फसलों के उत्पादन का 4th अग्रिम अनुमान भी जारी कर दिया है। आइए डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का 4th अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दिनांक 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों की कुशलता और भारत सरकार की कृषि एवं किसान हितैषी नीतियों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ठोस कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए 4th अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन बीते 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 29.77 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान धान का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 122.27 मिलियन टन अनुमानित है। बीते 5 वर्षों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन अनुमानित है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। इसी प्रकार पोषक व मोटे अनाजों का उत्पादन 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल दलहन उत्पादन रिकॉर्ड 25.72 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के 21.99 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 36.10 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 2.88 मिलियन टन अधिक है।
इसके अलावा तिलहनों का उत्पादन 30.55 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 5.56 मिलियन टन अधिक है। गन्ने की बात करें तो उत्पादन 399.25 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के दौरान औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है। वहीं कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठे अनुमानित है, जो औसत कपास उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठे अधिक है। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। महाराष्ट्र के देवेंद्र जबदेकर जी ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद कृषि के क्षेत्र को चुना और आज वे एक सफल आम उत्पादक हैं। उन्होंने सरकारी योजना के तहत मिले लोन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनके कामयाबी की कहानी। नमस्कार, क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं आम प्रोड्यूस करता हूँ और आम अभी ये प्रोजेक्ट के वजह से मैं आम पहले 14-15 दिन लगते थे, अभी ये प्रोजेक्ट के वजह से मैं 4-5 दिन में आम पका लेता हूँ। यानी ऑर्गेनिक वे है कि कार्बाइड का उपयोग करते हैं? नहीं नहीं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और कोई हानिकारक नहीं शरीर के लिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई देवेंद्र जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आप खेती में लग गए? पिताजी पहले से खेती करते थे, उसके बाद मैं और मेरा भाई और पूरी फैमिली लगती है फार्मिंग में, सब मैंगो। हाँ, और आप फसल पकाने का काम करते हैं तो फसल कभी कभी खराब भी हो जाती होगी, फल को पकाते हैं आप तो? हाँ, होती थी, पहली होती थी जो हम पकाते थे तो उस टाइम थोड़ा सा यानी 20-30% खराब होने का चांसेस था, लेकिन अभी ये राइपनिंग चेंबर्स की वजह से क्या हुआ, उसमें 28-30 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उसमें स्पॉन्जी टिश्यू का जो इश्यू रहता है एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से वो बिल्कुल चला गया।
28-30 डिग्री मेंटेन होता है और उसमें स्पॉन्जी टिश्यू निकल गया है सर। तो आपके किसानों को मालूम है कि अब लोग ये कार्बाइड के द्वारा पकाए हुए फल खाना पसंद नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक वे में पके हुए फल खाना पसंद करते हैं और इसलिए उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं क्या किसानों को? हाँ बिल्कुल, अभी समझो हमने खुद का अभी प्रोडक्ट बना दिया, अभी मैंने क्या किया है मार्केट बना दिया, मेरा जो ब्रांड है उसका नाम लग दिया श्री विश्वेश्वर मैंगोज और उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि साइंटिफिकली ग्रोन ऑर्गेनिक राइपन ऐसे लिख सकता हूँ। और जो क्या है अभी जो इसमें राइपनिंग चेम्बर में पकाते हैं वो आम एकदम गुड क्वालिटी का निकलता है तो उसमें जो विष जो होता है कार्बाइड की वजह से वो होता नहीं है और यानी पूरा हानिकारक नहीं है, एकदम सेफ है। देवेंद्र जी ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप ये फल पकाने का प्रोजेक्ट शुरू करें? सर ये एक बहुत एक प्रॉब्लम आया था, अभी देखो कोविड का पीरियड आ गया, कोविड की वजह से मंडियां बंद रही तो अभी करने का क्या, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रत्नागिरी में से बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों ने हम फार्मर लोगों का जो फोन नंबर्स वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हाउसिंग सोसाइटी में, तो उसकी वजह से हाउसिंग सोसाइटी की उधर से हमको फोन आना शुरू हो गए कि हमको आम चाहिए करके, लेकिन उनको आम पका के चाहिए था तो हमको उस वक्त मेरे पास राइपनिंग चेम्बर नहीं था तो मैं दूसरी जगह जाता था पकाने के लिए, अपने लगा लेता था आड़ी, तो उसमें 10-15 दिन लगते थे तो मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो सोचा चलो अपना राइपनिंग चेम्बर हो सके तो मैं खुद बैंक ऑफ इंडिया मारुति मंदिर को मिला, उन्होंने बोला कि मेरे को अभी ऐसा ऐसा करने का है राइपनिंग चेम्बर, तो बोले कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक स्कीम है उसमें आप ये कर सकते हैं प्रोजेक्ट, तो मैं प्रोजेक्ट कर सका और मेरे को फायदा भी हो गया। अच्छा आपने कितना लोन लिया था, आपको ये लोन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, किसी ने कोई नहीं, नहीं। बीच में बिचौलिया कट मनी मार तो नहीं गया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 16 लाख का टोटल लोन था और मैं कोई प्रॉब्लम भी आई नहीं, जैसे मैं बैंक में गया तो बैंक ने मेरे को खूब अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, उन्होंने 2 हफ्ते में मेरा लोन सैंक्शन कर दिया और पोर्टल में भी उन्होंने भर दिया सर। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे आत्मनिर्भर भारत के साथ। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। बढ़ते आगे, सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि देश के किसानों की आय दुगनी हो और वो दिनों दिन तरक्की कर सकें। ऐसे में सरकार कई तरह की योजनाएं भी बनाती रहती है, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से देश के किसान को लाभ भी हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई एक ऐसी ही योजना है जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही जानेंगे प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किश्त जारी करने के बारे में। दिनांक 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 9,75,00,000 से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को अंतरित की गयी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बुआई के मौसम के बारे में चर्चा की और ये उम्मीद जताई कि प्राप्त हुई राशि से किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए की निधि वाली किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के 1 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में जब देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, भारत की स्थिति को निर्धारित करने में हमारी कृषि और हमारे किसानों की बड़ी भूमिका होगी।
ये समय भारत की कृषि को नई चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए दिशा देने का है। उन्होंने बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय कृषि में बदलाव लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन के लिए किसानों की सराहना की और इस कठिन घड़ी में किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को रेखांकित किया। सरकार ने बीजों, उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित की। यूरिया इस पूरी अवधि में उपलब्ध रहा और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतें कई गुना बढ़ गई, तो सरकार ने तुरंत उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की ताकि किसानों को उसका बोझ महसूस ना हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे खरीफ या रबी का सीजन रहा हो, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए सीधे चावल का उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में पहुंचे हैं और करीब 85,000 करोड़ रुपए सीधे गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश में दालों के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जो कि बेहद ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के रूप में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEOOP पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम मिशन के जरिए खाद्य तेल से जुड़ी समग्र व्यवस्था में 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बेहतरीन बीजों से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी सुविधाएं मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कृषि नीतियों में अब छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावना के साथ पिछले कुछ वर्षों से इन छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत गंभीरता पूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इनमें से 1,00,000 करोड़ रुपए महामारी के संकट काल के दौरान छोटे किसानों को अंतरित किए गए हैं। कोरोना काल के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश छोटे किसानों को दिए गए। ऐसे ही किसान देश में स्थापित की जा रही कृषि संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और कनेक्टिविटी संबंधी बुनियादी ढांचा सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। इसी के साथ ही हमारे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। बदलते भारत।